देख रहे हैं। आपका चैनल। हमारा ये आज आप लोगों को यहाँ आप लोगों से रूबरू होने का मेन मकसद है। तो पिछले कल जो हमने एक दिन की या हमारे से कोई ऐसी भी हमने बात कही कि निश्चित काल जो हड़ताल की हमने कॉल की थी, तो उस विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारे आड़तियों के साथ ही ऐसा क्यों कि हर बार जो है दो दिन पहले जो हमारे ढली में हमारे कुछ आड़तियों के साथ जो है एपीएमसी के कुछ सदस्यों द्वारा जो है बदतमीजी की गई, उनके चलान काटे गए 25,000 रूपये का उनका चलान, और उनके खिलाफ एक FIR तक की गई। क्यों FIR हुई कि भाई आप लोग जो है ये सेब जो है एप्पल जो है ये गड में क्यों बेच रहे हैं, इसको किलो के हिसाब से क्यों नहीं बेच रहे हैं। ये दो दिन पहले की वारदात है। फिर पिछले कल मेरी मंडी पराला का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो पिछले कल जो है SDM साहब और वहाँ ठियो के तहसीलदार साहब और सेक्रेटरी जो है PMC है वो वहाँ पहुंचे, और उन्होंने आते ही जो है हम सब जितने भी आड़ती जो है पराला में सबके चलान किए कि भाई आप लोग जो है इसको गड में माल को बेच रहे हो जो है। अब जब हम माल बेच रहे हैं, किसान हमारे को बोल रहा है कि आप जो है गड में बेचो, किसान क्यों बोल रहा है जब आप जमीनी स्तर पे जो है पराला या ढली मंडियों की या परमाणु मंडी की स्थिति से अवगत होंगे तो आप ये पाएंगे कि ये तो इम्पॉसिबल काम है कि इस सेब को तोल के माध्यम से बेचा जाए। बाकी तोल से हमारा कोई ना नहीं है कि भी तोल से माल पर हमारे पास जैसे आप हम लोग जिस मात्रा में यहाँ बैठे हैं इससे 10 गुना ज्यादा वहां मतलब इकट्ठी जगह है, हमारे पास स्पेस नहीं है। तो हम सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से और माननीय बागवान मंत्री नेगी जी से हम ये आह्वान करते हैं, ये उनसे निवेदन करते हैं कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारा ये नहीं है कि हमने किलो का जो उनका एक निर्णय है सरकार का हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु जब तक आप हमारे को पर्याप्त स्पेस पर्याप्त जगह नहीं दोगे, आप ये बोलोगे कि 10x10 के कमरे में 1,000 आदमियों के साथ आप कारोबार करो, वो इम्पॉसिबल। वही स्थिति हमारी मंडियों में, हजारों लोग वहां आते हैं, सेब तोड़ना जो है इम्पॉसिबल है। इसलिए हम जब हमारे चलान किए गए तो आड़तियों ने अपने हाथ खड़े किए और जो वो अपने इस जगह से जो वो बाहर हमने लगभग जो 11:30 बजे तक हमने काम किया, उसके बाद जब उन्होंने सब आड़तियों के चलान किए तो आड़तियों ने अपना और जो पिछले कल उससे एक दिन पहले जो है वो ढली में वारदात हुई, दूसरे दिन जो है पराला में हुई, तो हमने जो है सांकेतिक हड़ताल जो है वो हमारे जितने भी सभी मंडियों के जो है ये हड़ताल हम गए, और जो है एक या दो दिन के हमने ये जरूर कहा था कि अनिश्चितकालीन जो है पर किसान बागवान हम पहले हैं और उसके बाद जो हम आड़ती बने हैं। तो पिछले कल भी हमने किसान बागवानों के अनुरोध पर एक दिन जब हमने वो हड़ताल की तो 4 बजे लगभग जो है वो हमने फिर दोबारा से जो है वो अपने किसान बागवान भाइयों का जो वहाँ एप्पल आया था उसको हमने क्लियर किया सभी मंडियों ने, जैसे परमाणु मंडी है, ढली मंडी है, और हमने जो किसान भाइयों बागवान भाइयों को पिछले कल बिल्कुल भी निराश नहीं होने दिया। आज हमारी मजबूरी है कि भाई आज जो है अपने हक अधिकार के लिए यदि हमारी रोजी रोटी पे कोई लात मारा है या कोई कुछ किसान संगठन पांच चार किसान संगठन ऐसे है जो वो एक्चुअल में जो रजिस्टर है, बाकी किसान संगठन जो है अपने आप को किसान संगठन बोलते हैं, वो एक कहीं का प्रधान दूसरा कोई कहीं का प्रधान है, वो मतलब बिना वजह से हम लोगों को और मतलब तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके हम खिलाफ है कि भाई जो है अपना एप्पल जो है अपना सेब जो है वो हिमाचल की मंडियों से बाहर भेजते हैं अपना, और किसानों के ऊपर जो आम छोटा किसान है, आप लोगों ने कल भी आपके मीडिया बंधु जो है पराला मंडी भी आए थे, ढली में भी देखा होगा, आज परमाणु में भी देखा होगा, आप जो ग्राउंड रियलिटी देखेंगे आम जो छोटा किसान है वो यही चाहता है कि भाई सेब जो है एज इट इज बिकना चाहिए। जिस तरह से कोई किसान ये बोलता है कि हमने तोल के बेचना है, हम तोल के भी उस सेब को बेचते हैं। आज से पहले भी हमने जब नेगी जी ने हमारे से आह्वान किया था, हमने उससे पहले जो है तोल के सेब को बेचने का भरसक प्रयास किया, और जो अभी हमारी मार्केटों में 10-15% सेब आता है उसमें भी हम सरकार के खिलाफ इसलिए नहीं कि हमने पूरा प्रयत्न हमने माना भी था, हमने ये माना था कि हम प्रयत्न जब हमारे से पहले बात हुई थी कि हम जरूर जो है सेब जो है वो जो सरकार चाहती है हम वैसे करेंगे, पर जगह ना होने के कारण हम उनकी मांग जो है वो पूरी नहीं कर पाए, इसलिए हम असमर्थ हुए, और आज जो हमारे ऊपर इस तरह की तलवार लटक रही है कि भाई हम अपना करोड़ों रुपए हमारे जो व्यापारी भाई को बोलते हैं कि भाई हम जो है सेब बिल्कुल भी आपको तोल के जो है अभी हमने पियर मेरे पास में आपको मैं तथ्य है
हमने 4000 रुपए की नाशपाती मैंने अपने किसी व्यापारी को बेची। जब उसकी वो नाशपाती 4 दिन 5 दिन बाद वो बॉम्बे पहुंची, वो 1000 रुपए में आगे बिकी। कारण क्या हुआ कि वो 3 जगह तोल के, पहले किसान ने तोली होगी, फिर हमने तोली और आगे उसके बाद व्यापारी ने तोली, उसमें रगड़ लग गई और वो नाशपाती जो पूरी तरह डैमेज होकर जो है वो 600 या 700 रुपए में 800 रुपए में बिकी। और किसान का 60 पेटी का लौटता अप्रोक्स 2.25 लाख रुपए का लॉस जो है उसमें वो किसान, व्यापारियों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमने व्यापार ही नहीं करना। गुजरात वाला बोलता है गुजरात जाएंगे, बॉम्बे वाला बोलता है महाराष्ट्र जाएंगे, हम जो है हमारे से काम नहीं होता। पर हम इस मुसीबत में हैं, आप लोगों से हम भी विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमारे करोड़ों रुपया किसान भाइयों का और हमारा आढ़तियों का उन व्यापारियों के पास फंस चुका है और जो है हम जो है अधर में लटके हैं। हम किसान बागवान भाइयों को आज से पहले हमने कभी जो है आज तक जो ये हमारे को जो भी कोई 2-4 लोग जो है निराधार आरोप लगाते हैं, इनका काम जो है सिर्फ अपनी राजनीति करना, राजनीति रोटी सेकना है। 4 लोग खड़े होंगे वहां ये आंदोलन कर देते हैं, उसके खिलाफ है। और बाकी हम किसान बागवान भाइयों से आप आज पूछ सकते हैं, कल पूछ सकते हैं, पिछले कल भी आपके मीडिया ने पूछा है, कोई किसी भी किसान बागवान के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ हम बिल्कुल भी नहीं है। सरकार जो है जो भी हमारे सरकार ने आदेश किए हमने वो उस सरकार के आदेश माने हैं, और उसके बावजूद मगर जब हम उसमें विफल हुए तब हमारे को पहले ढली और पराला में जब हमारे चलान किए गए, हमारे को दोषी करार दिया गया, तब हम परिसर से बाहर हुए कि भाई जो है अब हमारे हाथ खड़े, हम कुछ नहीं कर सकते। एक खत्म हो गया ये जो इन्होंने कॉल दी थी हमारे प्रधान जी ने अभी कल के, भाई हम इसको जो है अनिश्चितकालीन जो है वो हड़ताल में बदल रहे हैं, नजदीक उसका सिर्फ एक ही रोष का कारण था, क्योंकि हमारी जो जिस तरह से मतलब मंडियों के अंदर जाके बीजेपी ऑफिसर्स लोगों ने की है कि थाने तक वो हमारे को ले गए, उन लोगों को ले गए, इनके चेहरे देखिए, ये मेरे आरती वो हैं जिन्होंने हिमाचल की खंडर हुई हुई मंडियों को चलाया ही नहीं, अभी तो पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल की मंडियों का नाम रोशन किया। उन लोगों की बेइज्जती करने जब वो लोग आए उस रोष में हमारे मतलब प्रधान को गुस्सा आया, उसने ये कोशिश के साथ है, अगर किसान हमारे साथ ना होता तो हिमाचल प्रदेश का 50% माल आज सारी सरकार मानती है कि 50% माल हिमाचल का हिमाचल में बिक के जा रहा है। हमारी तो कोशिश ये थी कि 100% माल हिमाचल की मंडियों में बेच के भेजे, पर सरकार का रेवेन्यू भी बढ़े, हमारे लोगों को रोजगार भी मिले। हमारा कारोबार ऐसा है जिससे नौजवानों को रोजगार भी मिलता है, खाली हम वो नहीं तो अपने लिए व्यापार करते हैं। यहाँ एक छोटी सी गली मंडी कम से कम वहाँ आज भी उल्टे जदी कर रहे हैं, ये परमाणु मंडी वाले बैठे हैं, वो फेल हुई मंडी थी जिसको चलाया इन लोगों ने, ये ढली मंडी में कॉलम खड़े थे। और बड़ी मजेदार बात यह है कि इन मंडियों को फेल करने वाले भी वही लोग हैं, वो लोग हैं जिनको इन्होंने लाइसेंस दिया था। मैक्सिमम पुराना की जो पुरानी मंडी है आपके परमाणु, दमतार और तिलिंगी, इन तीनों मंडियों में पहले जो लाइसेंस थे वो किसी भी हिमाचल के आदमी के नहीं थे, वो सारे सोलन और चंडीगढ़ के दिल्ली के आरतियों के थे। तो उसकी फेल की हुई मंडी को इन लोगों ने चलाया, तो आज उनकी अगर स्थल से बेइज्जती की जाती है तो उसी रोज में इन्होंने ये कदम उठाया। आज मेरी सरकार से ये प्रार्थना है कि वो कम से कम हमारा पक्ष तो सुने, अभी तो एक साइड का पक्ष सुन रहे ना, हमारा भी पक्ष सुने। अगर हम कुछ गलत है कोई बीच का रास्ता निकाले तो कल तक मैं ये मतलब प्रार्थना करता हूँ सरकार से, मंत्री से, चीफ मिनिस्टर साहब से, कि वो कल तक हमारे साथ इस तरह का कोई फैसला करे, नहीं तो आगे हमारी तो मजबूरी, हम मजबूरी में इसको चलाएंगे, हमारी जो मर्जी होता रहे। तो मैं आज भी सरकार को कहता हूँ कि कल तक हमारे को बुलाए, हमारा भी पक्ष सुने, अगर हमारा पक्ष गलत है तो हमारे को बुलाए, हमारा पक्ष ठीक है तो हमारी भी पास सुने, बीच का रास्ता निकाले। धन्यवाद। ये बात करें हरीश जी, मेरा सवाल ये है, हवाला एपीएमसी एक्ट का दिया जा रहा है, आप खुद बागवान है, पहले बागवान है, आखिरी बार है, तो एपीएमसी एक्ट के अंदर जो है किलो के हिसाब से ये दावा कर रहे हैं कि सेब होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत क्यों हो रही है?
दिक्कत हमारे को बिल्कुल भी नहीं है ये सोचना किसी का कि भी हमारे को दिक्कत एक ही बात से है कि हम तोल के अभी तक भी जो है जो सरकार कह रही थी हमने तोल के माल बेचा है मगर हमारे पास स्पेस नहीं है। जब स्पेस नहीं होगा माल उतर नहीं रहा है और किसान आप जब जमीन पे देखेंगे तो किसान ये बोलता है पहले मेरा माल बेचो और एक मतलब 100 पेटी को क्लियर करने के लिए हमारे को जो है वो 2 घंटे चाहिए कम से कम जो है एक पेटी तोल के और जो अप्रोक्स करते एक दिन हमने जो है थोड़ा सा माल जो है हमने 4 पेटियां माल जो है वो बेची और बाकी हमने अप्रोक्स जो है वो 24 किलो का वेट लगाया। किसान हमारे लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया कि आप जो है मेरी तो 27 किलो की पेटी है या अब कोई पेटी 21 किलो की निकली कोई 27 किलो की हमने बीच का रास्ता निकाला 24 किलो की पेटी जो है किसान मानता ही नहीं। किसान बोलता मेरा गट बेचो मेरी मर्जी है। आज भी हम इतना ही चाहते हैं कि मंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से हमें इतना जो किलो के हिसाब से सेब बेचना चाहते हैं हम तैयार है। आज भी जो किसान ये बोलता कि मेरा गट से माल बेचो वो हम उसको गट से बेचे। हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई माल भुगताना कैसे है हमने करोड़ रुपया हमारा फंस गया है जो है व्यापारी आगे मुकर गया है तो हम हमारे पास ये परिस्थितियां बनी हुई। एक्ट में तो ये भी प्रावधान है एपीएमसी एक्ट। मेरा एक सवाल है आपने हड़ताल करने से पहले नोटिस दिया था? बिल्कुल जो आप जो हड़ताल कर जो नोटिस की बात है सर नोटिस की बात जब हमारे परसू जो है हमारी परसू हमारे आरटीओ के साथ बदतमीजी की गई और उनके एफआईआर हुई तो हमने आपस में एक मीटिंग की थी और मीटिंग में ये बात हुई थी कि भाई जो है यदि अब आइंदा ये हमारे साथ इस तरह की बदतमीजी या इस तरह के हमारे साथ निराधार हमारे को परेशान करते तो हम कल जो है हम अपने हाथ खड़े कर देंगे। बट हमने कल जो है संकेतिक हड़ताल की थी सर नोटिस हमने मीडिया के माध्यम से दिया था पर हमने कल अपने पूरे किसानों का माल एक पेटी जो है वो उसके बाद बेची सर। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब सरकार ने पहले मीटिंग्स करी थी शायद आप लोग भी पार्टिसिपेट थे उसमें जी तो उस टाइम आपको इन चीजों का आइडिया नहीं था क्या? जी जिस वक्त पहले मीटिंग हमारे को आइडिया था हमने ये लिखित भी ये चीज दी थी ये छोटी मंडिया है यहाँ पॉसिबल नहीं है पर उस वक्त सर हमारी आवाज जो है कुछ के लोगों द्वारा हमारे परसों भी जो है कुछ लोग सेक्रेटरियट में मीटिंग थी कुछ लोग अपनी बात वो वहां एक लैंडस्लाइड आया नारकंडा में वो अपनी बात रखने के लिए उठे उनको ये बोला गया कि ये तो आप जो है गलत तरीके से काम कर रहे हैं उनको बिठाया गया कि चुप रही है आप जो है बड़े बड़े गैजेट ऑफिसर थे मंत्री जी के सामने उनको बोलने नहीं दिया गया। उससे पहले भी हमारे साथ यही वारदात की जाती है कि ये तो आरती जो है चोर है आरती जिन्होंने हिंदुस्तान की दिल्ली जैसी मंडी को हम आरतीयों ने हिमाचल के आरतीयों ने चंडीगढ़ की मंडियों को फेल किया और सारा कारोबार हमने हिमाचल में लाया। आज एक भी कोई हमारा किसान भाई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाता है पर ये 2-4 लोग जो है अपनी राजनीति करने के लिए हमारे को कभी चोर बोलते हैं कभी किसी से कोई उल्टी बात उठाते हैं इस बात से हमारे को आपत्ति है। सर दो सवाल है हरी जी एक सवाल है मेरा 2 किलो की जो काट कर रहे हैं एपीएमसी एक्ट उसकी मंजूरी नहीं देता है जी तो वो आपका क्या उसमें पक्ष है? सर जो 2 किलो की जब इन्होंने कहा कि भाई 2 किलो की काट जो है ये बात सबसे पहले तो जब हमने ये मंत्री जी से बात कही थी जब एक बार मीटिंग हुई थी तो मंत्री जी ने खुद कहा कि भाई 2 किलो की काट जो है ये जायज है। क्यों जायज है? क्योंकि मैंने जो है किलो के हिसाब से सेब लिया और मैंने आगे किलो के हिसाब से सेब भेजा हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में आप हमारे कुल्लू जाओ यहाँ की हिमाचल की मंडी वहां 3 किलो काट होती है आप जयपुर माल ले जाओ जो किलो की छोटी मंडी है सर ये किलो के हिसाब से कहां माल समझ जयपुर में 3 किलो की काट होती है हाफ बॉक्स की 1.5 किलो की काट होती है। अब जब हमारी आगे काट होगी तो हम कैसे करेंगे जब पेट बाकी तो कोई रास्ता नहीं है जो है अब हमारे को तो काट करनी पड़ेगी आगे जब काट होगी तो हमारी भी मजबूरी हम उतनी काट करते हैं 2 किलो से ज्यादा हमने कभी कोई काट नहीं की और 2 किलो की काट हमारी मजबूरी थी। पर जब हमने किसानों ने आह्वान किया कि भाई ऐसा है हमारी 2 किलो की काट ना हो और आप जो है हमारा माल गढ़ में बेचिए तो हम अच्छा 2 किलो की काट के साथ क्या था हमने काट की एक चीज आप देखिए मजे की बात देखिए जब मैंने माल बेचना है तो ये बोलते सरकार भी बोलती है ये कुछ लोग बोलते हैं कि जी किलो के हिसाब से एपीएमसी एक्ट क्या कहता है सर एपीएमसी एक्ट ये कहता है कि आप जो है लार्ज मीडियम स्मॉल ये माल अलग रेट से बिकेगा एक्स्ट्रा स्मॉल अलग बिकेगा 240 अलग बिकेगा अलग बिकेगा। ये एक माल को 100 पेटी का लॉट आता है 4 भागों में बांटना पड़ेगा किलो के हिसाब से अलग अलग व्यापारी उसको माल को लेगा 4 जगह इस टेबल में मेरी 100 पेटियां आती है 100 पेटी को अब जब 100 पेटियां आती है तो कैसे बांटेगा इस कोने में जो 25 पेटी रखो 30 पेटी इस कोने में वो इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमने जो है ये सरकार को ये बात अपनी कई बार पूछी कि हमारे से इम्पॉसिबल हो रहा है पर वो बात हमारी नहीं मानी गई। इन लोगों ने चंद लोगों ने जो है
जो है हमारे को जो है उल्टा सीधा चोर करार दिया और मंडियों में हमारे ऊपर जो है डंडा फेरा गया हमारे खिलाफ, FIR की गई, हमारी मजबूरी हुई। जो अपने जब कौन अपनी रोजी रोटी को जो है सर अपनी रोजी रोटी को उगवाना चाहता है, हम जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, उसके बावजूद भी आप लोगों से रूक। सर दो छोटे 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 सवाल है, क्या कल से जो आप कह रहे हैं कि जो 24 किलो वाली पेटी का हिसाब है आप किलो के हिसाब से लेंगे सेब की नहीं लेंगे? दूसरा सवाल है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ है, कुछ एक पार्टी विशेष के लोग है ये कहा है सभी आरती जो है वो नहीं है, ये संयुक्त किसान मंच ने प्रेस वार्ता में इससे पहले कहा है, कुछ एक पार्टी के जो लोग है गुमराह कर रहे हैं। ऐसा है, इसमें कोई भी आरती हमारे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती है सर, जो है इसमें चाहे तीन हिमाचल में तो तीन या चार पार्टियां, एक कांग्रेस है, दूसरी बीजेपी है, तीसरी ये कॉमरेड है, कॉमरेड चंद लोग है, मेन पार्टियां तो दो ही लोग हैं, दो ही पार्टियां हमारे को, हम व्यापारी वर्ग है सर, हमारे को कोई मतलब नहीं है किसी पार्टी से। और जो हम सर और हिमाचल की आर्थिक को बहुत ऊपर उठाने वाले लोग हैं, हम किसी पार्टी के दबाव में आने वाले लोग नहीं है सर, ये बिल्कुल इनका झूठा। उन्होंने कहा कि जो है हमने बाहर माल, यहाँ साजिश ही हो रही है कि हिमाचल की मंडियों से, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप बाहर की मंडी को हिमाचल की मंडियों से बाहर की मंडियों में जाए, हिमाचल की मंडियां खाली रही, अब क्यों ये जो वो काम हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अपना माल बाहर बेचते हैं। यस सर, मैं संजीव भ्रांटा, मैं आपके माध्यम से एक चीज बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ, ये हिमाचल की मंडियों को बर्बाद करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। किलो के हिसाब से सेब बेचने को बोल रहे हैं, छोटा माल अलग बिकेगा, 80% तो हमारे पास पीतू है, हमारे किसान भाई कहां जाएंगे, माल सारा बाहर की मंडियों में जाएगा, हमारे पास सरकार हमें स्थान दे दे, हमें किलो में से बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें पर्याप्त स्थान दे दे, हम आज सरकार का समर्थन करते हैं, हम बिल्कुल भी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें पर्याप्त स्थान दे दे, किलो के हिसाब से बेच देंगे। जैसे हमारे प्रधान जी ने बोला, क्या हमारी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है, हमारा 80% तो माल छोटा होता, हमारा क्वालिटी फ्रूट हमारे हिमाचल में 20% या 25% है, आजकल आप देख रहे होने 10 kg के बॉक्स आ रहे हैं, 10% तो माल उसमें निकल गया, बाकी 15% रह गया माल, जिसमें भी सारा छोटा माल होता है, छोटे माल में 24 किलो यूनिवर्सल कार्टन लाए या टेलीस्कोपी कार्टन लाए, फिर सबके लिए कोई इश्यू नहीं था। आज की स्थिति हमारी क्या है, अब हम बेचेंगे किलो के हिसाब से, हमारे बिल्कुल 5 किलोमीटर में पिंजौर मंडी हरियाणा गवर्नमेंट ने बना ली है, उन्होंने हमारे यहां गवर्नमेंट की फीस 1% है, उन्होंने वहां फीस भी माफ कर ली है, वो तो बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी दे रहे हैं, वहां तो फीस भी माफ हो रही है, हमारी भी सुने, हम भी सरकार को टैक्स दे रहे हैं, हम कोई ऐसे नहीं है, जो भी अगर हम कहीं गलत है तो हमें बोले आपके माध्यम से। एक सवाल, आपने कहा कि हिमाचल की आर्थिक में बड़ा योगदान है जी, 250 करोड़ का गड़बड़ डाला हुआ है, CID एप्पल SIT के 4 साल से जांच कर रही है, 250 करोड़ से ज्यादा लूट कारों पे आरतियों पर कारोबारियों सर, वो आरती जो राइट हर साल सेब सीजन शुरू होता है, हर साल ये आरोप लगते हैं।